यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय का 8वां वचन। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। उसको छोड़ना नहीं, उसी को पकड़े रहना है। कैसे करना है? अभी तक तुमने किया है, उसके पहले अध्याय में थोड़ा ध्यान देंगे तो 22:5 में देखिए, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो। इसका मतलब पूरे मन से प्रेम रखना है, परमेश्वर के पास डर के साथ कांपते हुए नहीं आना, प्रेम के साथ आना है। आराधना में नहीं जाएंगे तो दंड मिलेगा, ऐसे डर के साथ नहीं, उसे पूरे दिल से प्रेम के साथ आना है। मत्ती 22 अध्याय में प्रभु यीशु ने जैसे कहा, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे दिल से, वैसे ही जैसे वचन में लिखा है, वैसे पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम रखना है। संसार की सारे वस्तुओं से, माता से, पिता से, बच्चों से ज्यादा प्रभु से प्रेम रखना है। आपके धन दौलत दोस्तों से ज्यादा जो है परमेश्वर को प्राथमिक स्थान देना है। प्रभु से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर कहता वो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए सबों को भगाएगा। कनान देश में जो आशीष मिलना है, सारे आशीष को परमेश्वर आपके लिए देगा, किसी भी बात में गटी को नहीं रखेंगे। ऐसे लवली नहीं रहेंगे तो क्या होगा? सामर्थ को आप खो जाएंगे। अगर सामर्थ नहीं है तो परमेश्वर नहीं रहेगा और पवित्र आत्मा चला जाएगा। न्यायों की 16 अध्याय में जैसे सिमसोन कहता है ना, वैसे ही यदि जो है मेरे बालों को तुम काट दोगे तो मैं औरों के मनुष्य के समान साधारण हो जाऊंगा, मेरा बल मुझसे निकल जाएगा। यदि पवित्र आत्मा हमसे निकल जाएगा तो मुझ में, आप में, औरों में जो है दुनिया की लोहों में कोई फर्क नहीं रहेगा और मन का शांति दूर हो जाएगा। चारों तरफ का लोग जो है आपके लिए फंदे के रूप में रहेंगे, आपको गिराने के लिए तैयार रहेंगे। परमेश्वर इस देश से ही दूर भगा देगा, अधिकार को आप खो जाएंगे, इसलिए परमेश्वर को पकड़े रहना है। ये परमेश्वर हमारे लिए लिख के रखा है, यदि परमेश्वर को छोड़ देंगे तो परमेश्वर की ताकत दूर चला जाएगा, हम जो है दुनिया की लोहों के समान नलायक हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर में बने रहना है। यदि ऐसे रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा, आप अकेले हजारों को, 2-10 हजारों को भगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।